भाई ये तो अजीज भाई का रिक्शा है, वो कहाँ है? अजीज का था लेकिन अब ये मेरा है, उसने मुझे बेच दिया पूरे 90,000 रुपए का। बेच दिया? लेकिन क्यों? अब ये तो उसी को पता होगा ना भाई, उसी से जाके पूछो, मुझे क्या पता। अच्छा सही है। रिक्शा बेच दिया? फिर तो बड़ा पैसा आज तेरे पास, लगता है मैदान लूट के ही जाएगा। और देखा जाएगा लक चले या ना चले, आज 30,000 से ज्यादा की बाजी नहीं लगाऊंगा मैं। ये क्या बात हुई, खेलना है तो खुल के खेल, डर किस चीज का? डर और मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि आज तू फिर सब कुछ लगा रहा है दाव पे? ना भाई ना, हार 30,000 से ज्यादा नहीं आज, बाकी जीत पे देखूंगा कि हाथ रुकता है कि नहीं। अजीज भाई बैठे हैं तो बुला जरा उन्हें। अब्बा तो सुबह से आया ही नहीं घर, पता नहीं कहाँ है। अच्छा सुना है रिक्शा बेच दिया उसने, खैरियत क्या वजह बनी? जी चाचा जी, वो कह रहे थे कि 3-4 लोगों के पैसे वापस देने हैं, पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए रिक्शा बेच दिया। अच्छा चलो अल्लाह करे यही वजह हो, वरना हरकत तो तुझे अच्छे से पता है अपने बाप की। सही कह रहे हैं आप, आ जाए अंदर आ जाए। ओ नहीं नहीं मैं चलता हूँ, वो रिक्शा किसी और के पास देखा तो पूछने चला आया। देखा यही डर था मुझे, इसने रिक्शा इसीलिए बेचा ताकि उन पैसों से भी जुआ खेल सके। कभी नहीं सुधर सकता ये, ना रोजगार का होश है ना ही बीवी बच्चों का, बस अल्लाह ही हिदायत दे इसे। ये बाजी तो मेरी हुई, लगा और पैसे कर ले हिम्मत कुछ नहीं होता। हो सकता है तू बाजी पलट दे, लगा दे पैसे घर ले जाके क्या करेगा? बस भाई बस, आज तुम लोगों का दिन है, मेरी किस्मत नहीं चल रही। अब तूने कसम खा ली है कि और नहीं लगाने क्या? ओ हाँ भाई हाँ, बोला था ना कि 30 से ज्यादा हार नहीं आज, बाकी कल। मर्जी है तेरी, चल नादिर चलें, बाकी कल देखते हैं किसका दिन होता है। चलो कोई बात नहीं, आज इनका दिन था तो कल मेरा होगा, 60,000 तो बच गए है ना, इन हजारों से लाखों बनाऊंगा लाखों। ओए तू तो अजीज का बेटा है नी? जी मैं अजीज का ही बेटा हूँ। लेकिन तू ऐसे भीख क्यों मांग रहा है बैठ के? ये जाके आप मेरे बाप से पूछे, घर में कुछ भी नहीं है खाने को, भूखे मरने से तो बेहतर है भीख मांगना। अच्छा सही है। अजीज ओए अजीज उठ, अजीज तेरा बेटा वहां बैठ के भीख मांग रहा है। मेरा बेटा भीख, ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ मैं, तू चल मेरे साथ मैं दिखाऊं तुझे। कहाँ देखा तूने उसे? ओए माजिद ये क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? किस चीज की शर्म अब्बा, मैं भीख ना मांगू तो अम्मा को लोगों के घरों में काम करने के लिए भेज दूं क्या? आपने तो सबको जुए में लुटा दिया है। ज्यादा बकवास ना कर मेरे सामने, बाप हूँ तेरा। बाप? अगर बाप का फर्ज अदा करते ना तो आज ये नौबत ना आती कि मैं यूं सड़कों पे बैठ के भीख मांगता। उठ और जा घर, चल दफा। ओ सुना नहीं तूने, उठ घर जा। ओ बहरा हो गया क्या? उठ उठ। ओ ये क्या, शुक्र एक ख्वाब था। लेकिन इतना गंदा ख्वाब, अल्लाह ना करे कि मेरे बच्चे को कभी भीख मांगनी पड़े। लेकिन जो मैं ये जुए वाली गंदी आदत में पड़ा हुआ हूँ, कल को होना तो यही है मेरे साथ, मैं अपने हाथ से ही सब कुछ खत्म करता जा रहा हूँ। शायद ये अल्लाह की तरफ से इशारा था मेरे लिए। मेरी तौबा, अब मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अब कुछ भी करके मुझे अपना रिक्शा वापस लाना होगा ताकि मैं दोबारा हलाल रोजी को लग सकूँ। अजीज बड़े ही अफसोस की बात है, इस जुए की लानत के पीछे तूने अपना रोजगार अपना रिक्शा ही बेच दिया। मुझसे गलती हो गई इमरान भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई, खैर अब मेरे पास क्या लेने आया तू?
भाई मुझे मेरा रिक्शा वापस दिलवा दे। 30,000 में हार चुका हूँ लेकिन 60 मेरे पास है, बाकी आप मिला दे, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ रिक्शा दिलवा दूं ताकि दोबारा तू उसे बेच के सब जुए में उड़ा दे। अजीज इतना नजायज फायदा ना उठा रिश्तेदारी का। मेरी बात का यकीन करे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ आइंदा कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी है, मैं हलाल रोजी करूंगा, बस अब मेहरबानी करे मुझ पर। अच्छा अगर तेरी वाकई इस्लाह हो गई है तो फिर ठीक है, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे वापस दिलवा देता हूँ रिक्शा, आ जा। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।